नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं सट्टा देश। दोस्तों, पटना से रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को स्टॉपेज कहां-कहां मिला है, इस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। दोस्तों, गया वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। गया से रांची का सफर बेहद आसान होने वाला है। दरअसल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन पटना से झारखंड की राजधानी रांची के बीच शुरू होने जा रही है। इस ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे। ऐसी संभावना है कि रेल मंत्रालय 25 अप्रैल से राजधानी पटना और रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। इसके चलने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलने वाली है। आधिकारिक घोषणा के बाद यात्री इस ट्रेन से यात्रा का लुत्फ उठाने के लिए अपना रिजर्वेशन भी करा सकेंगे। इस ट्रेन का 7 और स्टेशनों पर ठहराव भी होगा। पटना के अलावा जहानाबाद और गया जंक्शन में भी यह ट्रेन रुकेगी। इससे इन जिलों के लोगों को भी हाई स्पीड ट्रेन का फायदा मिल सकेगा। पटना से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 6:45 पर खुलेगी। यह ट्रेन गया, जहानाबाद, हजारीबाग, बरकाकाना और रांची जंक्शन होते हुए 1:45 पर हटिया पहुंचेगी। वहीं वापसी में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दोपहर 2:30 पर हटिया से रवाना होगी और रात में लगभग 9 बजे पटना पहुंचेगी। पटना से हटिया की दूरी काफी घट जाएगी। वंदे भारत ट्रेन रांची और पटना के बीच सप्ताह में 6 दिन चलेगी। पटना जंक्शन से अभी रांची के लिए 4 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने से यात्रियों को अपने स्टेशन तक पहुंचने में काफी कम समय लगेगा। हालांकि अभी तक फाइनल रिपोर्ट तैयार नहीं हुआ है। हालांकि सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। पटना हटिया रेलवे स्टेशन के बीच रेल लाइन में हाई क्लिपिंग का कार्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा शुरू भी कर दिया गया है। इंजीनियरिंग विभाग की टीम पटना हटिया रूट पर आधुनिक यंत्र के माध्यम से रेल पटरियों की जाँच कर रही है। यह बहुत ही बड़ी खबर है बिहार और झारखंड वासियों के लिए, क्योंकि यह ट्रेन झारखंड से बिहार और बिहार से झारखंड में चलेगी। दोस्तों, यह पहली बार होगा कि झारखंड और बिहार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोड़ेगी। बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी पटना को जोड़ने वाली यह पहली वंदे भारत ट्रेन होने वाली है, जो कि गया, हजारीबाग और इस तरह के रेलवे स्टेशनों पर ठहराव के साथ यह दोनों राज्यों के राजधानी को जोड़ेगी। दोस्तों, इस ट्रेन को चलने की संभावना है कि यह 25 अप्रैल से चलने लगेगी। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन कर सकते हैं। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें।